राज्यसभा चुनाव क्रॉस वोटिंग की आशंका में हरियाणा के विधायक दिल्ली तलब, मतदान तक रायपुर के रिसोर्ट में रहेंगे सभी कांग्रेसी। कालकाजी मंदिर के पुजारियों को धर्मशाला खाली करने का आदेश, 4 जून को होगी बैठक। यूपी पुलिस में सिपाही के लिए भर्ती की तैयारी, 35,000 पदों के लिए भेजा गया प्रस्ताव। सीएम केजरीवाल कोरोनेशन प्लांट का निरीक्षण किया, कहा 2025 तक यमुना नदी को बनाएंगे स्वच्छ। हेमंत शर्मा की कांग्रेस को लेकर भविष्यवाणी, कहा 2024 लोकसभा चुनाव में 30-35 सीटों पर सिमट जाएगी पार्टी। आधी रात को बारा में हुआ बवाल, चाकूबाजी की घटना के बाद हालत हुए तनावपूर्ण, शहर में भारी पुलिस बल तैनात। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर बोले योगी, बिना भेदभाव के सबके हित में काम किया। जाति आधारित जनगणना के हम विरोधी नहीं, लेकिन मुसलमानों को छूट क्यों, गिरिराज सिंह ने अल्पसंख्यक शब्द पर उठाए सवाल। कल होगा 80,000 से ज्यादा के निवेश प्रस्तावों का शुभारंभ। सर्वदलीय बैठक के प्रस्तावों पर अंतिम फैसला आज, नीतीश कैबिनेट की बैठक में लगेगी मोहर। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।